श्री वीके सिंह पंजाब इलेक्शन कमीशन पंजाब की ओर से श्री मुक्तसर साहिब का दौरा किया गया, जिन्होंने मलोट में हल्का लंबी और मलोट की ईवीएम मशीनों के स्टोरिंग रूमों के प्रबंधों का निरीक्षण किया और उम्मीदवारों के सपोर्टरों से मुलाकात कर उनकी मुश्किलें सुनी। और इसके उपरांत श्री वीके सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते कहा कि वोटों की गिनती के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, वोटों की गिनती पूरी तरह से पारदर्शी होगी और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं तथा इस बात पर पाबंदी रहेगी कि कोई भी मोबाइल और असला लेकर अंदर ना आए। असीं ना बेसिकली जरा काउंटिंग दा इंतजाम हो रहा उन्हूं वेखन आए हैं इत्थे। पहले हुण आपां जरा पोलिटिकल पार्टी ते कैंडीडेट या उन्हां दे रिप्रेजेंटेटिव है उन्हां दी मीटिंग कीती है, उन्हां तों पुछिया उन्हां दा कोई मसला होवे कोई तो साडे ध्यान च ला देन। ऐसा कोई वो सारे सैटिस्फाइड हैं, उन्होंने कोई हजी गल नहीं दसी हैगी। इत्थे दे जिहड़े काउंटिंग सेंटर है वो हुण असीं वेखना हैगा, इस करके आपां एग्जैक्टली जिथे गए आपां कई जिले च हो के आ रहे उत्थे वधिया इंतजाम कीते गए। पूरा फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम एंड फूल प्रूफ काउंटिंग अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। जिहड़े मुलाजम है उन्होंने ट्रेनिंग की गई है बहुत, सो दैट काउंटिंग समय सिर अच्छे तरीके नाल मुकम्मल हो जाए। तो पुलिस को हिदायत की गई हैं जो बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी फूल प्रूफ चेकिंग होवे, सो दैट कोई मोबाइल या कोई हथियार लेके कोई अंदर ना जा सके। चैलेंजेस की ने काउंटिंग दे? काउंटिंग देखो मशीन च हुंदा है, उनू ध्यान नाल एक प्रोसेस है उस नाल करना हुंदा, उस विच कोई एडी चैलेंज नहीं है। लेकिन सिस्टम बढ़िया सैट होने चाहिए, ट्रेनिंग जरा मुलाजम है स्टाफ वो प्रॉपरली ट्रेन होने चाहिए, उन्होंने कमीशन की हिदायत के बारे पता होना चाहिए। वो गल यही है बस, वो ट्रेनिंग की वजह हुई है। सोनी ढल्ला, दिव्य पंजाब टीवी, गिद्दड़वाहा।